वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 18 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया। हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस राज्य के है? तो आंध्र प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में किस देश ने फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। दोस्तों, किसने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा? तो उत्तराखंड ने किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड में। फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। फेडरेशन कप 2024 में 200 मीटर दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिमेष कुंजरू ने जीता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया एस्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अब नई दिल्ली में हुआ है, दोस्तों जो भी आपको स्क्रीन पे संस्था दिख रही होंगी, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना 1984 में हुई। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हो रहा है? 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है फ्रांस में। दोस्तों, कहाँ हो रहा है? दोस्तों, फ्रांस में। अब फ्रांस में हो रहा है, तो देखो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है ग्रेवियर अटल, और ग्रेवियर अटल जो है वो सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस की। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एलिजाबेथ बोर्न थी। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है। तो यूनेस्को और इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं LC पैलेस में। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, उसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? LC पैलेस में रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो व्हाइट हाउस में रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, पानी का प्रभाव कम होने के कारण किस देश के सुंदरवन में आग लग गई है? तो बांग्लादेश के सुंदरवन इलाकों में दोस्तों आग लग गई है, पानी के प्रभाव कम होने के कारण। दोस्तों सुंदरवन पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, लेकिन बांग्लादेश तरफ से दोस्तों क्या हुआ है? तो आग लग गई है पानी के प्रभाव कम होने के कारण। अब बांग्लादेश, तो देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है? तो सिक्किम ने दोस्तों अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? तो 16 मई को मनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज बताना है कमेंट बॉक्स में मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर राज्य के संदर्भ में आप जो भी जानते हो, इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों, सिक्किम ने मनाया है अपना स्थापना दिवस 16 मई को। तो देखो दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सो दोस्तों, सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को, और यह 22वां राज्य है भारत का। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम की जनजाति है लेपचा एवं भुटिया। सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। और दोस्तों, सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है।
दोस्तों देखो, पहले यह एक देश था और यहाँ पर चोंगयाल वंश का शासन हुआ करता था। इसे दोस्तों भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में दोस्तों इसे सह राज्य का दर्जा जो दिया गया वो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दिया गया। सिक्किम को भारत का सह राज्य कब बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दोस्तों मेमन वन्य जीव अभयारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभयारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नंदिनी डेयरी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस देश को प्रायोजित करेगी? तो स्कॉटलैंड को दोस्तों नंदिनी डेयरी प्रायोजित करेगी। जैसे मैंने अमूल के बारे में बताया था कि अमूल दोस्तों अमेरिका को करेगी, उसी तरह से नंदिनी डेयरी किसको करेगी? तो स्कॉटलैंड की दोस्तों टीम को करेगी, नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रायोजित करेगी। तो दोस्तों देखो, अब क्रिकेट तो याद रखना, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, और आईसीसी की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिदम्बरम स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और ब्रिसबेन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखना क्रिकेट है। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब हुई? तो 2008 में हुई थी, और विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित दोस्तों है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर विन्नी है। मेरे लाल एवं लालियो, देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप जो है वो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, पूंच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन दोस्तों किस देश में किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भूटान में किया गया है। और भूटान की दोस्तों राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज न्यूग्लिट्रम है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर है लोटाए दोस्तों तेसरिंग टोगबी। इससे पहले थे लोटाए तेसरिंग, अब कौन बन गए? भूटान के पीएम। तो तेसरिंग टोगबी बन गए हैं भूटान के पीएम। और भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना जो है ये भूटान में है। मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर की विकास के लिए समझौता किया है? हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर के विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका ने किया है। दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जापान के संसद का नाम क्या है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी दोस्तों दुनिया की डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा गया है। चंद्रमा पर दोस्तों जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो 1969 को गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है। अब मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं तो उसको भी दोस्तों हम रिवीजन करते हैं। तो देखो दोस्तों मई महीने में जो दिवस मनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया दोस्तों 2 मई को मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस 4 मई,
कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया तो 7 मई को मनाया गया है, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दोस्तों कब मनाया गया है तो 16 मई को मनाया गया है मेरे लाली बम लाड़ियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है, 17 मई को मनाया गया, याद रखना 17 मई को 3 दिवस मनाया गया है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया 17 मई को, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया और राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है 17 मई को मेरे लाल एवं लालियो। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों मैंने जो पिछले दिन में दोस्तों जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसका उसके जवाब देने वाले दोस्तों जो विजेता हैं उनका नाम है प्रीति कुमारी। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जो 3 प्रश्न था वो क्या था, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कार्तिक आर्यन बने हैं। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। प्रश्न हमारा है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है और फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको मेरे लाल एवं लालियो। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे लाल एवं लालियो।